ईसाइयों के लिए दिसंबर साल का वह समय होता है जब वे हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं अपने प्रियजनों और क्रिसमस के लिए यीशु के जन्म का जश्न मनाएं। लेकिन सिखों के लिए यह अपने धर्म के लिए लड़ने के बारे में था। सिखों के उपनाम में सिंह होता है जो शेर के रूप में अनुवादित होता है। शेर निडर होते हैं, ये सिखों ने पूरे इतिहास में दिखाया है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, उनके नाम इस प्रकार हैं। 4 साहिबजादे अजीत सिंह जी 18 वर्ष, जुझार सिंह जी 14 वर्ष, जोरावर सिंह जी 9 वर्ष व फतेह सिंह जी 7 वर्ष। बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी 4 साहिबजादों में सबसे छोटे हैं। सरहिंद के नवाब वजीर खान ने कहा था कि उसे ईंटों की दीवार में जिंदा दफन कर मार दिया जाएगा, क्योंकि उसने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया था। ये घटना 26 दिसंबर 1705 को हुई थी। चारों साहिबजादों की शहादत से पहले उन्हें कैद कर लिया गया और सर्दियों के बीच में उनकी दादी माता गुजरी के साथ ठंडा बुर्ज नामक ठंडे टॉवर में रखा गया। उन्हें फतेहगढ़ साहिब ले जाया गया, जहां उनके चारों ओर एक ईंट की दीवार बनाई गई थी, लेकिन दीवार हर बार बनने के बाद टूट गई और साहिबजादे का दम घुटने में नाकाम रही। वजीर खान ने तब जल्लादों को आदेश दिया कि दोनों साहिबजादे का गला काट दिया जाए। इस खबर को सुनने के बाद उनकी दादी ने अंतिम सांस ली। दो महान राजकुमारों बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी दोनों चमकौर की लड़ाई में लड़े थे। उन्होंने अपनी शहादत प्राप्त की। इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों बेटों और अपनी माँ को खो दिया। गुरु गोविंद सिंह जी अपने शत्रु द्वारा सीने में छुरा घोंपने के बाद स्वयं युद्ध में नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया और बाबा बंदा सिंह बहादुर को नेता नियुक्त किया। सिखों ने 22 मई 1710 को छप्पर चिरी की लड़ाई लड़ी, जिसमें वजीर खान मारा गया। सिखों को हमेशा नेक लोगों के लिए खड़े होने और कभी हार न मानने की सीख दी गई है। आज हम में से अधिकांश लोग गुरु गोविंद सिंह जी के महान बलिदान को भूल चुके हैं, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को हिंदू धर्म के लिए कुर्बान कर दिया। दिसंबर हम सभी के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के महान बलिदान को याद करने का समय है। वाहे गुरु जी का खालसा और वाहे गुरु जी की फतेह। हम सभी को ये याद दिलाने की जरूरत है कि गुरु गोविंद सिंह जी केवल सिखों के ही नहीं बल्कि सभी हिंदुओं के गुरु थे। उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने परिवार का बलिदान कर दिया।